कंबुले टेक सॉल्यूशन को और सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तुम्बुलिया टेक सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशीष तुम्बुलिया। मैं एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जी हां दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी एमएस पावर पॉइंट का सीरीज चालू किया हूं कि लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था वो फाइल टैब पर था। जी हां दोस्तों, फाइल टैब एमएस पावर पॉइंट का। तो आज का जो टैब है वो होम टैब है, ऑब्वियस बात है। आप तो जानते ही है कि ऑफिस में सारे कॉमन वर्ड्स, सारे कॉमन टैब्स हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, लाइक दिस। सो आज का जो टैब है वो होम टैब है। तो आज आप लोग को मैं होम टैब के बारे में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोग को ये भी बता दूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछले वीडियो का जो लिंक है मेरे आई बटन पर मिल जाएगा, जैसे कि आप हमेशा जानते हैं। और साथ ही साथ दूसरे जो वीडियोज़ है, दूसरे वीडियोज़ का लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आप जाइए, जा करके आप देख लीजिए कि वो लिंक, जो भी मेरा वीडियोज़ है वो सब जाके देख लीजिए, देख के आप लोग सीखिए जो भी मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँ कि अभी सीरीज़ तो अभी जस्ट चालू हुआ है, अभी पहला वीडियो मैंने डाला है। आज जो मैं डालने वाला वो दूसरा वीडियो होने वाला है, और इसके बाद और भी मैं तीसरा, चौथा, जैसा कि मैंने बताया थी कि 9 वीडियो इसका होने वाले हैं, तो 9 वीडियो मैं डालने वाला हूँ। और साथ ही साथ अगर आप लोग इंटरेस्टेड है और भी वीडियोस देखने के लिए, तो इसके लिए सबसे अच्छा और सिंपल रास्ता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करोगे फिर बेल आइकन पर क्लिक कर दोगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और जैसे जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आप वीडियोज़ को देखिए, देख के सीखिए। तो दोस्तों चलिए, मैं और ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आप लोग को, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा पुराना जो हमने बनाया था पावर पॉइंट लास्ट वीडियो में, तो इसी को ओपन करते हैं। तो ठीक है, ये एक पावर पॉइंट ओपन है। तो आज मैं आप लोगों को होम के बारे में बताऊंगा। ये होम में आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। बहुत सारे सेक्शन हैं यहाँ पे, देखिए होम में, जैसे क्लिपबोर्ड है, स्लाइड्स है, फॉन्ट है, पैराग्राफ्स है, ड्राइंग है, देन एडिटिंग है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ क्लिपबोर्ड से चालू करते हैं। तो ये क्लिपबोर्ड में क्या होता है, कुछ नहीं, इसमें आप कॉपी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। जैसे देखिए ये है, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये कॉपी कर लीजिए, यहाँ से एक नया स्लाइड भी आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ राइट क्लिक कर जैसे कीजिएगा तो यहाँ पे न्यू स्लाइड, ये बहुत सारे ऑप्शन है, डुप्लीकेट स्लाइड कर सकते हो, यहाँ पे कट पेस्ट कॉपी सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। तो नया स्लाइड लेके मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास, एक सेकेंड, ये देखिए पेस्ट का ऑप्शन है मेरे पास, ये देखिए, तो पेस्ट कर देते हैं। ओके ओके, ये एक्चुअली पेस्ट हो गया है, बट यहाँ पे ये देखिए पेस्ट किया, जैसे पेस्ट किया मैंने ये यहाँ पे आ गया, इस पर भी आ गया होगा, बट बात ये है कि इसका जो कलर है हमको वो चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये पेस्ट हो चुका है यहाँ पे, जैसे हमने पेस्ट करने की कोशिश किया था, क्योंकि बट जो लेटर का कलर था वो वाइट था, इस वजह से दिख नहीं रहा था, बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो चुका था। तो इस तरह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहते हो कि कट पेस्ट करना तो वो भी आप यहाँ से, जैसे यहाँ पे ये कट पे क्लिक करके फिर यहाँ पे आप इस पे पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए तो ये कट पेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं जो भी आपको करना है। तो ये था आपका कॉपी पेस्ट वाला बात। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये वाला, जैसे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ये इसको एक सेकेंड, ये वाला लेते हैं, ठीक है, ये लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर जो भी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये भी, इस पर हम जब क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर, एक सेकेंड,
जैसे आप फॉर्मेट पे एंटर करोगे, फिर उसके बाद एक सेकेंड, मैं इसके लिए कुछ और लिख देता हूँ। इसका फॉर्मेट मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, जैसे सपोज ये है अल्जीरियन है, ठीक है। मुझे क्या ये फॉर्मेट चाहिए सपोज, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके बाद में हम इस पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट यहाँ चेंज हो गया। बट हाँ, इसमें बात ये है कि जिस स्लाइड, मतलब जिस ये वाला एक ये सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर जो कर रहे हो करना है आपको, उसी सेक्शन के अंदर ही कीजिएगा, तब जाके ये फॉर्मेट पेंटर वाला वर्क करेगा। क्योंकि क्योंकि जब आप नेक्स्ट ये पे आते हो तो वो फॉर्मेट पेंटर का ये हट जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। तो क्लिपबोर्ड में बस ये एक दो तीन चार चार चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्लाइड्स। स्लाइड्स क्या होता है सबसे पहली बात, तो स्लाइड्स जो ये आपको दिख रहा है, मतलब एक जो ये पूरा का पूरा ये जो पेज आपको दिख रहा है, ये एक स्लाइड है। ये जो दूसरा है सेकेंड नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये आपका दूसरा स्लाइड है, सेकेंड स्लाइड। और ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये थर्ड स्लाइड है। तो इसको हम स्लाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे ऑप्शन है न्यू स्लाइड का, ठीक है। तो ये देखिए न्यू स्लाइड में आपको क्या टाइटल स्लाइड चाहिए, टाइटल एंड कंटेंट वाला चाहिए, या सिलेक्शन हेडर, मतलब अलग अलग जो चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा चाहिए आपको आप उस तरह से टाइप, मतलब एक यहाँ पे स्लाइड न्यू कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको चाहिए लेआउट चाहिए, मान लीजिए अगर आपके पास कोई स्लाइड है ऑलरेडी, मुझे नहीं इसका जो क्या है ना, इसका मुझे जो है लेआउट चेंज करना है। लेआउट में जैसे हमारा अभी जो करंट अभी लेआउट है वो है सेक्शन हेडर, ठीक है। बट मुझे चाहिए टाइटल एंड कंटेंट, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये टाइटल एंड कंटेंट वाला ये मेरा लेआउट चेंज हो गया, ठीक है। रीसेट कर सकते हैं, तो रीसेट अब अगर करेंगे तो इससे आपका रीसेट होता है, ठीक है। मतलब अगर कुछ आपने चेंज किया है उसको रीसेट करना है तो फिर से आप उसको रीसेट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो कुछ अगर ये हुआ है, चेंजेस हुआ है, तो उसको जब जिससे भी आपको रीसेट करना है तो आप रीसेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से है। तो ये है आपका रीसेट वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए ये रीसेट वाला ऐसा है। फिर सेक्शन का बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन मतलब सपोज मुझे ये दो स्लाइड को एक सेक्शन में डालना है, तब क्या करेंगे ना, यहाँ पे डाल के यहाँ पे मैं सेक्शन पे क्लिक करूंगा, ऐड सेक्शन करेंगे। यहाँ पे जैसे मतलब मैं डाल देता हूँ इसको सेकंड, ठीक है। यहाँ पे रीनेम कर देंगे, तो ये देखिए ये एक सेक्शन बन गया, ठीक है। ये एक डिफॉल्ट सेक्शन बन गया, तो मैं चाहता हूँ कि इसको रीनेम करूँ, तो रीनेम सेक्शन, तो यहाँ पे इसको मैं एक कर देता हूँ। तो ये देखिए ये क्या है ना, एक सेक्शन बन गया। तो इस तरह से अलग अलग सेक्शन देखिए, ये अलग अलग, मतलब ये पहला सेक्शन है, पहला सेक्शन में दो स्लाइड्स है, फिर उस तरह से ये दूसरा सेक्शन है, दूसरा में दो दो स्लाइड्स है। तो मैं अगर इस तरह से अलग अलग सेक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ तो इस तरह से मैं सेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये है सेक्शन का बात, इस तरह से आप स्लाइड में अलग अलग सेक्शन और लेआउट चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये था सेक्शंस का बात। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे फॉन्ट के बारे में। ये जो है ये हमारा फॉन्ट है, ठीक है। तो जैसे ये जो है आपका, अगर आप चाहते हैं कि मुझे जैसे नहीं मुझे कुछ और फॉन्ट चाहिए, जैसे मुझे नहीं ये एरियल ब्लैक चाहिए, तो ये देखिए एरियल ब्लैक हो गया। अगर आपको चाहिए कि नहीं टाइम्स न्यू रोमन चाहिए, मतलब अलग अलग फॉर्मेट है ये एक्चुअली लिखने का तरीका, तो ये अलग अलग आपको मिल जाएगा जिसमें आपको चाहिए, ठीक है। मुझे जैसे, और ये है नेक्स्ट आपका साइज, अगर मुझे साइज बड़ा छोटा या जो भी करना है मुझे, ठीक है। मुझे अगर चाहिए कि मतलब इस तरह का साइज कुछ हो, तो मैं 36 जैसे साइज किया हूँ तो ये साइज में आपको दिखेगा। आपको जैसा साइज चाहिए, जैसा आपका फिट लगेगा कि दिखने में अच्छा है, मतलब आप अच्छे से मतलब देख पा रहे हो प्रेजेंट करते समय, तो उस तरह का साइज आप यहाँ पे डाल सकते हो। साथ ही साथ ये इसको आप जैसे अलग अलग स्टाइल दे सकते हो, जैसे बोल्ड कर सकते हो, फिर इटैलिक तो ऑलरेडी है, अगर नहीं रखना है तो इटैलिक हटा दो आप, इस तरह से नॉर्मल में आएगा। अंडरलाइन करना है तो इससे अंडरलाइन कर सकते हो। ये क्या, ये आपका जो है ना टेक्स्ट शेडो, तो टेक्स्ट शेडो किसी में अगर डालना है तो जैसे ये देखिए बैकग्राउंड में हल्का हल्का शेडो आ रहा है, तो आपको अगर ये ऐसा इफेक्ट चाहिए तो आप ये भी डाल सकते हो, या फिर हटा भी सकते हो। जिस तरह से मतलब आपको, ये एक्चुअली एक तरह से फॉर्मेटिंग है, आपको जैसा फॉर्मेट करना आप कर सकते हो। नेक्स्ट ये देखिए इस तरह का एक था स्ट्राइक थ्रू, तो मतलब अगर सपोज अगर
किसी वर्ड को अगर आपको स्ट्राइक करना मार्क मतलब इस तरह का, ये देखिए इस तरह का स्ट्राइक वाला करने के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है कैरेक्टर स्पेसिंग, जो कैरेक्टर है उसका जो स्पेसिंग है बीच का, ये देखिए वेरी टाइट या फिर टाइट, जैसा जिस तरह का आपका चाहिए, नॉर्मल लूज फिर वेरी लूज, देखिए ये यहाँ पे आप ये जो कैरेक्टर्स आप इसके स्पेसिंग पे देखिए कैसे चेंजेस आ रहा है, ठीक है। वेरी टाइट है तो देखिए किस तरह से, वो देखिए आपका वेरी टाइट डाला तो ये देखिए यहाँ पे आ गया एकदम सारा कैरेक्टर चिपक चिपक के आ रहा है। अगर नहीं मुझे चाहिए थोड़ा सा हल्का लूज करना तो इस तरह से, अगर नहीं चाहिए कि मुझे थोड़ा नॉर्मल रहे तो ये देखिए नॉर्मल थोड़ा थोड़ा स्पेस के साथ आया। अगर चाहते हो कि नहीं और थोड़ा लूज हो जाए तो ये देखिए थोड़ा और ज़्यादा देखिए कैरेक्टर स्पेस बढ़ गया। उस तरह से नेक्स्ट है वेरी लूज, तो देखिए और ज़्यादा बड़ा गैप आ चुका है। अगर चाहते कि नहीं मतलब मोर स्पेस, तो यहाँ पे मोर स्पेस पे क्लिक कीजिए और आपको कितना चाहिए यहाँ पे आप यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए करके, स्ने से ये उतना आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या ना नॉर्मल चाहिए होता, नॉर्मल जितना सबका ये सारा नॉर्मल है, ठीक है। तो ये हमको स्पेसिंग रखना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या आता है कि यहाँ पे केस, केस मतलब चेंज केसेस मतलब क्या होता है ना, अपर केस लोअर केस, ये जैसे सेंटेंस केस, सेंटेंस केस में जैसे क्लिक करेंगे तो पहला लेटर जो है पहला कैरेक्टर है वो अपर केस में हो जाएगा, बाकी सब लोअर केस। तो इस तरह से देखिए नेक्स्ट है लोअर, तो लोअर में तो लोअर ही रहेगा, अगर अपर केस करना है तो ये अपर केस में पूरा का पूरा जो है वर्ड है कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है, तो ये देखिए उसके लिए ये वाला एक है। फिर ये देखिए टॉगल केस, इस तरह से जैसा आपको चाहिए ये अलग अलग केसेस है आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका केस चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये देखिए, ये जिस तरह से साइज आप यहाँ से अलग अलग डाल सकते हो, बट अगर चाहिए कि आप थोड़ा सा बड़ा करना है थोड़ा सा छोटा करना है तो ये देखिए इंक्रीज साइज इंक्रीज करना है अगर टेक्स्ट का तो ये इससे इस ऑप्शन से होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है साइज डिक्रीज, ये इससे आप डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है, जितना चाहिए आप डिक्रीज कर सकते हो। तो ये था आपका साइज वाला। नेक्स्ट आपका ये कलर, ये जो है ये आपका टेक्स्ट का कलर है, जो भी टेक्स्ट है आपका क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कलर में आपको चेंज करना है कुछ, अगर ये देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, ठीक है। उसके लिए सबसे जो भी आप करोगे उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट ये है फॉर्मेटिंग क्लियर करना है, अगर जैसे मान लीजिए इसमें कलर डाला मैंने कोई ऊपर से ये टाइम्स न्यू रोमन है तो और बोल्ड किया हुआ है तो ये एक फॉर्मेट डाला हुआ है, तो अगर मुझे ये सब को क्लियर करना है तो क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो ये जो हमारा डिफॉल्ट जो हमारा था, ये देखिए बुकमैन जो हमारा सबसे पहला जो हमारा ये था इसका डिफॉल्ट, ठीक है, तो वो वाला हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मेट क्लियर कर दिया, तो ये इसका ओरिजिनल डिफॉल्ट जो फॉर्मेट था उसमें आ गया। तो इस तरह से आप ये फॉन्ट का जितने भी अलग अलग फीचर्स है इसका यूज कर सकते हैं आप इस तरह से। नेक्स्ट आता है आपका पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ में सिंपल सी चीज है, कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। अब जैसे ये देखिए लेफ्ट पैराग्राफ है, तो हम ये जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पे लेफ्ट से चालू होगा, सेंटर पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए सेंटर हो जाएगा, और मुझे चाहिए राइट साइड से चाहिए तो ये राइट साइड से होगा, और अगर जस्टिफाइड चाहिए मतलब सारा का सारा लेफ्ट और राइट एकदम एक लाइन पे आया तो फिर इस पर क्लिक करेंगे, इसको जस्टिफाइड बोलते हैं। तो ये देखिए ये इस साइड पूरा बराबर होगा, ठीक है, वो गैप गैप भी होगा बीच में, बट ये सारे ये जो लाइन्स है ये इस लास्ट वाला और स्टार्टिंग ये दोनों मतलब सेम रहेंगे एक ही लाइन पे, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए तो ये वाला डाल देते हैं। फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं, अब दूसरा है कि आप बुलेट एंड नंबरिंग वाला है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बुलेट्स आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी बुलेट, ये एक बुलेट है, ये एक तरह का है, मतलब अगर आपको मतलब पॉइंट्स में कुछ चीज़ लिखना है तो उसके लिए इस तरह से आप बुलेट्स यूज़ कर सकते हो, तो बुलेट्स एंड नंबरिंग है इसको, ठीक है। तो ये था बुलेट्स। अब नेक्स्ट था नंबर के बारे में, अगर नंबर आपको किस तरह का नंबर में डालना है लिस्ट को, ए बी सी 1 2 3 रोमन में या छोटा में जैसे डालना है आप उस तरह से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो इसको बुलेट्स एंड नंबरिंग बोलते हैं, ठीक है। ये था बुलेट्स एंड नंबरिंग का। नेक्स्ट आपका ये यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए लाइन स्पेसिंग है ये सब, ठीक है। तो लाइन स्पेसिंग मतलब क्या है, ये जो हमारा लाइन है
ये हमारा लाइन जो है, ये लाइन का कितना स्पेस होना चाहिए, जैसे 0.1, 1.5, 2 या फिर उससे ज़्यादा, जितना जितना आपका लाइन स्पेसिंग देना है आप उतना मेंशन कर सकते हो। तो ये है लाइन स्पेसिंग, मतलब ये दो लाइन के बीच का गैप, तो उतना लाइन आप देने के लिए ये हम ये सेक्शन का यूज़ करते हैं, ये लाइन स्पेसिंग है। उसी तरह से यहाँ पे ये टेक्स्ट डायरेक्शन है, ठीक है, इसमें क्या हॉरिजॉन्टल देना है या फिर आपको चाहिए कि नहीं 90 डिग्री ये ABC इस तरह से दिखे इस फॉर्मेट में, और फिर अगर चाहिए नहीं ये वाला 270 डिग्री, मतलब इस तरह का फॉर्मेट में अगर दिखना चाहिए या फिर ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से है। तो अलग अलग मतलब ये टेक्स्ट का डायरेक्शन है, किस कैसा डायरेक्शन में आपको देना है उस तरह से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है तो इसमें इस सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है, क्योंकि बहुत टाइम पे आपको अलग अलग डायरेक्शंस में टेक्स्ट को लिखना पड़ता है ताकि आप बेटर वे में प्रेजेंट कर सको, ठीक है। तो ये था आपका टेक्स्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट है ये अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट में जैसे टॉप में आपको डालना है, तो ये जो हमारा बॉक्स है ये सिलेक्शन बॉक्स, तो हमको यहाँ पर टॉप से डालना है, तो इसके लिए टॉप में डाल सकते हैं, देखिए ये टॉप नहीं, अभी फिलहाल जो हमने सिलेक्ट किया वो मिडिल में, देखिए ये मिडिल में है, ठीक है, और बॉटम चाहिए तो बॉटम पर क्लिक कीजिए तो बॉटम पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट मतलब अगर आप चाहते हैं कि कुछ इस टाइप से, मतलब मेरा जो स्मार्ट आर्ट ये मतलब एक तरह से फ्लो चार्ट्स टाइप का है, आप अगर इस तरह का लेवल में आपको दिखाना है कुछ कुछ चीज़ें, तो इसके लिए ये देखिए आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये स्मार्ट आर्ट जो चाहिए आप वो डिज़ाइन कर सकते हो, वो सारा डाल के, ये सारा कुछ डाल के आप फिर टेक्स्ट को आप जो भी लिखना है लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मान लिए यहाँ पे आपको चाहिए स्मार्ट आर्ट कुछ चाहिए, सपोज ऐसा वाला कुछ देखिए, और आप यहाँ पे क्या ना कुछ भी जो भी डिज़ाइन देना है जिस तरह का आपको डिज़ाइन करना है करके, इसमें जो भी ग्राफिक्स व्राफिक्स जो भी जिस तरह का करना है, कन्वर्ट किस तरह से करना है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट या जो भी जैसे डालना है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका स्मार्ट आर्ट, इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट डाल सकते हो, ठीक है। और ये है, ये कुछ नहीं है, ये ड्राइंग्स है, ठीक है। इसमें सिंपल सा आपका है, जैसे आपका लाइन खींचना है तो इसके लिए एक लाइन डालने के लिए ये सब है, ठीक है। फिर वही इसी को लाइन को डिजाइनिंग बहुत सारा है यहाँ पे, देखिए अलग अलग कलर डालना है, किस तरह से डालना है, टेक्स्ट बॉक्स डालना है या क्या करना है, जो भी है ये बहुत सारा है, शेप आउटलाइन जो भी आपको बहुत सारा चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब एक्चुअली फॉर्मेट का बात है, जो भी हम लाइन दिए उसका लाइन को फॉर्मेट करने के लिए ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। ये ऑप्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि जो भी है, मतलब वर्ड में भी बताया था, एक्सेल में भी बताया था, तो चलिए इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट ये जो हमने लाइन का था ये तो मैंने बता ही दिया। अब देखिए ये एक चीज़ हमारा छूटा था, ये लिस्ट का जो लेवल है, ये देखिए ये जो लेफ्ट से राइट जो हमारा लेवल है, मतलब हम यहाँ से टेक्स्ट लिखना चालू करेंगे यहाँ से या आगे से, तो ये हम इससे कर सकते हैं, यहाँ से देखिए जितना आगे से चाहेंगे वहाँ से लिख सकते हैं। नहीं मुझे चाहिए कि कोई लेफ्ट साइड से थोड़ा ज़्यादा इधर लेफ्ट कॉर्नर से चाहिए लिखना, तो वो उस तरह से आप लेफ्ट कर सकते हैं, ये राइट कर सकते हैं इससे। तो मतलब ये टेक्स्ट का पोजिशन आप मतलब कहाँ से शुरू करेंगे उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं ये दो। और ये जो आपका ड्राइंग था, ये जो ये सारी चीज़ें, ये तो अलग अलग आपका आर्ट का बात है जो आपको करना है, ठीक है। तो ये था आपका जो ड्राइंग, जो भी आप ड्राइंग में जो भी ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए बहुत सारे ड्राइंग हैं, आप जो चाहें आप उस तरह का आप ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका ड्राइंग। नेक्स्ट अरेंज का बात है। अरेंज मतलब क्या होता है कि जैसे ये वाला यहाँ पे दिया, फिर ये यहाँ है, ये लाइन सबसे नीचे, तो नहीं मुझे चाहिए कि अरेंज करना है कि जिसको मैंने सिलेक्ट किया उसको ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट पे लेके आना है, ठीक है, सबसे फ्रंट पे लेके आना, तो ये फ्रंट पे हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है इसको मैं सेंड टू बैक, बैक पे कर दूँ, कर सकता हूँ, ठीक है, सेंड टू बैक। तो इस तरह से मतलब ये एक तरह से मतलब किसको आगे लाना है किसको पीछे लाना है, मतलब इन सब में से ये उसका है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये और दो मल्टीपल, जैसे सपोज मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, दो को सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसको ग्रुप कर दूँ, ठीक है। तो ये दो अलग अलग था, अब क्या नहीं ये पर्टिकुलर एक सिंगल ग्रुप बन गया, ठीक है। तो उस तरह से आप ग्रुप भी कर सकते हैं, इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं, देखिए ये अब फिर से सेपरेट सेपरेट बन गया दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है।
रीग्रुप भी कर सकते हैं। रीग्रुप से मतलब जो पहले से ग्रुप था उसको अनग्रुप किया है तो वो फिर से ये ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरह से ये अरेंज का ये ऑप्शन है, ठीक है। फिर इसका भी अलाइन है, अलाइन मतलब कैसे आपको डालना है, लेफ्ट सेंटर अलाइनमेंट, ये ऑब्जेक्ट के लिए, ये जो भी अलाइनमेंट है ये वाला, ये ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट है, ठीक है। फिर आपको रोटेट करना है, रोटेट 90 डिग्री, देखिए जैसे ये है ये आप कर सकते हो, ठीक है, ये ऐसा था। फिर सिलेक्शन पैनल भी है, मतलब तो कौन सा आपको चाहिए, ग्रुप का कौन सा है, कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये था आपका पैनल, पैनल में आप जिसको चाहो उसको सिलेक्ट कर सकते हो, जिसको व्यू करना है उसको व्यू कर सकते हो, जिसको हाइड करना चाहते हो उसको हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका सिलेक्शन जो है, ठीक है, सिलेक्शन पैन। नेक्स्ट आपका क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल क्या है ना, सिंपली क्विकली आप किसी को भी कलर उलर, जैसे मतलब ये सबको हम कलर उलर डालना चाहते हैं, तो ये देखिए आप मतलब जो स्टाइल देना चाहते हैं यहाँ पे, जो स्टाइल है हम, जिस तरह का स्टाइल है हमको जो देना है हम वहाँ यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टाइल कर सकते हो, ये क्विक स्टाइल हो गया। अब क्या है कि आपको कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे आप देखो कलर जिस तरह का चाहिए, अलग अलग कलर है, कलर डाल सकते हैं। अगर आउटलाइन मतलब शेप का जो आउटलाइन है उसको मुझे मतलब अलग डालना है कलर, देखो जो भी आपको डालना है जैसे देख सकते हैं मैं अलग, देखिए ये जो इसका आउटलाइन है इसका देखिए कलर चेंज हो गया, ठीक है, ये ब्लू कलर हो गया। ऊपर से अगर शेप का इफेक्ट इफेक्ट चेंज करना है, जैसे ये देखिए कुछ इस तरह से कुछ मतलब डालना है, या इस तरह का डालना है, मतलब जैसा आपको इफेक्ट चाहिए, मुझे कुछ इस तरह का चाहिए, तो इस तरह का आप मतलब इफेक्ट डाल सकते हो, शेप का इफेक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें शेप को डालने के लिए है, और इसमें शेडो उडो और भी कुछ अगर आपको इंसर्ट करना है, कुछ शेडो डालना है, ठीक है, इनर शेडो या आउटर शेडो जो भी जैसे आपको डालना है आप डाल सकते हो। रिफ्लेक्शंस अगर डालना है आपको, जैसे इस तरह का रिफ्लेक्शन चाहिए, जिस तरह का भी, जैसे सपोज ये रिफ्लेक्शन चाहिए तो इस तरह का रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर ग्लो चाहिए, जैसे मुझे इस तरह का ग्लो चाहिए कुछ समथिंग, ये कुछ ऐसा वाला, तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा ग्लो आ गया सब में। तो इस तरह से आप क्या ना, एक शेप जो भी आप ऑब्जेक्ट यूज ले रहे हो, ऑब्जेक्ट डिजाइन कर रहे हो, तो इस तरह से लोगो को आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंटेशन जब भी आप यूज करते हो, बनाते हो, तो उसमें मे भी बहुत टाइम होता है कि लोगो क्रिएट करना होता है, या फिर बहुत सारा चीज आप खुद से क्रिएट करते हो, टेक्स्ट या ऐसे ऑब्जेक्ट, तो उस तरह से आप इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब डाल के आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे आपको ऐसा कुछ डालना है, जो भी मतलब जैसा इफेक्ट आपको डालना है वो वैसा आप इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं, ये जैसे ये 3D रोटेशन का कुछ भी है, जिस तरह का सपोज ऐसा कुछ 3D रोटेशन में आपको चाहिए, तो इस तरह से जैसे 3D में रोटेट आपका होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जैसा चाहिए आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये था आपका ड्राइंग का बात, ये इतना सारा ड्राइंग में था। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा सेक्शन है वो एडिटिंग है। एडिटिंग में कुछ नहीं है, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट है। तो फाइंड के लिए तो हमको कोई टेक्स्ट चाहिए होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे योर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे। फाइंड पे क्लिक करके देखिए जैसे मुझे चाहिए बेस्ट, बेस्ट क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन भी देखिए मैच केसेस, मतलब जो आप यहाँ पे जो भी केस यूज़ कर रहे हैं, अपर केस लोअर केस, वो मैच करना चाहिए। अगर एग्जैक्टली मैच करना चाहिए तो इस पर क्लिक कर दीजिए, तो फिर एग्जैक्टली वाला ही आएगा। यहाँ पे अगर मान लिया सपोज ये मैच केस पे मैंने क्लिक किया, और ये कुछ ऐसा टाइप से करते हैं हम, ठीक है, तो देखिए वो मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो बी है ये अपर केस है, बट यहाँ पे क्या है ना, बी जो है ये बेस्ट, ये लोअर केस में, और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है कि ये मैच केस, मतलब केस सेंसिटिव हो गया अब ये। अब हम अगर इसको अनचेक कर देंगे, अब फाइंड करेंगे तो ये जरूर फाइंड होगा। यहाँ पे हम बी कैपिटल में दिया, बट फिर भी ये सर्च होगा, क्यों, क्योंकि हमने इस पे मैच केस पे सिलेक्ट नहीं किया, तो ठीक है। और ये देखिए ये भी ऑप्शन है कि फाइंड होल वर्ड्स ओनली, ठीक है, तो इस पे मतलब इस तरह से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। ये था आपका फाइंड वाला। नेक्स्ट है आपका रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस मतलब फॉन्ट, ठीक है, आप अगर चाहते हो किसी का अगर फॉन्ट चेंज करना है तो वो फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे जहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन है उसको मुझे कुछ और फॉन्ट में डालना है, ठीक है, रिप्लेस, तो जो जो टाइम्स न्यू रोमन था वो इस तरह का अलग अलग फॉन्ट में चेंज हो गया, जैसे ये है, अब मुझे इसको क्या करना है कि
इसको मुझे अभी टाइम्स न्यू रोमन में डालना है। देखते हैं टाइम्स न्यू रोमन है कहाँ, ये किधर गया, हाँ मिल गया, टाइम्स न्यू रोमन रिप्लेस करते हैं। तो देखिए सारा का सारा टाइम्स न्यू रोमन में। तो ये था आपका रिप्लेस, आपका क्या था फॉन्ट्स। तो इस तरह से फॉन्ट आप रिप्लेस कर सकते हो। अगर चाहते हो कि वर्ड जैसे बेस्ट है इसको मुझे क्या करना है, एक इसको जैसे वर्स्ट करना है, ठीक है वर्स्ट करना है, वर्स्ट में करना है तो सब क्या डायरेक्टली हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारा का सारा रिप्लेस हो जाएगा। सिंपल रिप्लेस करेंगे तो एक एक करके होगा, और फाइंड करेंगे तो सबसे पहले फाइंड करेगा ये, ठीक है यहाँ पे फाइंड जैसे ये देखिए फाइंड नेक्स्ट में ये फाइंड होगा, फिर नेक्स्ट क्या रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा। देखिए ये एक रिप्लेस हो गया, इस तरह से नेक्स्ट रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारा का सारा रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ जहाँ जहाँ बेस्ट था वो सब रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका रिप्लेस का पार्ट। नेक्स्ट लास्ट है आपका सिलेक्ट, सिलेक्ट क्या है सिलेक्ट ऑल, आप सिलेक्ट ऑल पर करेंगे तो सारा का सारा जो भी चीज़ है सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा इस स्लाइड का। नेक्स्ट है आपका क्या सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जस्ट ऑब्जेक्ट जैसे मतलब इसमें हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट जो ऑब्जेक्ट्स रहेगा ना हमारा, जैसे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट्स रहता है वो ऑब्जेक्ट्स आपका सिलेक्ट होता है। ये देखिए ये सारी ऑब्जेक्ट्स जो भी है तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट होगा, ठीक है। देखिए सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सारा सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जस्ट जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेगा आपका वो सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका है कि सिलेक्शन पैन, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कौन सा आपको यूज शो करना है, कौन सा हाइड करना है, जैसे ये एक है दो है, इसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। ये एक अलग यहाँ पे आप अलग सेक्शन यहाँ पे लिख सकते हो, एक यहाँ पे अलग लिख सकते हो, ठीक है। तो आप जिसको शो करना चाहते हो उसको शो करो, बाकी को हाइड कर दो, देखो यहाँ पे। तो इस तरह से आपका होता है, ठीक है। तो ये था आपका होम का बात, तो होम में ये सारी फीचर्स है। होम में पहला तो जैसे हमने देखा कि क्लिपबोर्ड था, नेक्स्ट था स्लाइड्स के बारे में हमने बात किया, नेक्स्ट फॉन्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करना है उसके बारे में मैंने बताया, नेक्स्ट था पैराग्राफ्स, पैराग्राफ में जो भी अलाइनमेंट के बारे में मैंने बताया, फिर उसके बाद आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन के बारे में मैंने बताया, स्पेसिंग के बारे में बताया, लाइन स्पेसिंग एंड ऑल। नेक्स्ट था आपका ड्राइंग, ड्राइंग में आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो, उसको अरेंज कर सकते हो, उसको उसमें अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हो, कलर डाल सकते हो। फिर लास्ट था आपका एडिटिंग, एडिटिंग में क्या था फाइंड रिप्लेस फिर सिलेक्ट करना। तो ये सारे था ओवरऑल कंप्लीट होम टैब के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसा कि मैंने आज के वीडियो में बताया, आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है और आपको समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है, तो कुछ ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है, फिर से एक बार रिवाइंड कीजिए, फिर से जाके वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिएगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई मेजर डाउट या छोटा मोटा बड़ा जो भी छोटा मोटा डाउट है या बड़ा ही डाउट है, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये प्रॉब्लम है, मैं तुरंत उस पर एक सोल्यूशन आप लोगों को कमेंट पर आप लोग को रिप्लाई करूंगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप लोगों को कोई मेजर डाउट हो, कुछ समझ लीजिए, अगर मान लिया कुछ बहुत ही बड़ा डाउट या फिर कुछ समझ लीजिए उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाना पड़ा, तो मैं आप लोगों के लिए वो भी करने को रेडी हूं दोस्तों। मैं वो करके आप लोगों को वो वीडियो में बना के दे दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी हमेशा जैसे कहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है, अगर कोई नया टॉपिक आप लोगों को लगता है कि इसके बारे में मुझे जानना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ना। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त हूँ, आपका फ्रेंड हूँ, आपका फैमिली मेम्बर हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कौन सा टॉपिक और किस चीज़ के बारे में आप लोग को जानकारी चाहिए, मैं उसके बारे में उसको लेके उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है कैसा है, जो भी है, जो भी टॉपिक आप लोग को चाहिए आप बताइए टेक्निकल से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, तो क्योंकि मैं टेक्निकल, आप तो जानते हैं ये टेक्निकल चैनल है, तो टेक्निकल रिलेटेड जो भी आप लोग को मिलेगा, जो भी टॉपिक है आप लोग बताइए, मैं उसके लिए उससे रिलेटेड मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगा और आप लोग देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, अंत करने से पहले मैं आप लोग को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक तो बनता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, सी यू।